खेसारी लाल यादव मना रहे हैं जश्न, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ हार चुके हैं। जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ के सपोर्टर खेसारी लाल यादव कभी नहीं थे, इसलिए शायद उनके चुनाव प्रचार में भी वो नहीं गए। पवन तो गए, लास्ट मोमेंट पर गए, लेकिन पवन ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन बात करें खेसारी लाल यादव की, तो खेसारी लाल यादव उनके चुनाव प्रचार में कहीं नज़र नहीं आए। अगर उनसे इसका रीज़न पूछा गया तो खेसारी लाल यादव ने सीधे कहा कि उनके पास टाइम नहीं था, और जब वो लास्ट मोमेंट पे फ्री हुए तब दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ये कहकर मना कर दिया कि आप मनोज तिवारी जी का चुनाव प्रचार कर लीजिए, यहाँ रहने दीजिए। खैर, ये तो बात रही चुनाव प्रचार की, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन दिनेश लाल यादव के पक्ष में सभी भोजपुरिया सितारों ने अपना कमेंट पास किया है, लेकिन अकेले बचे हैं खेसारी लाल यादव, जिन्होंने अभी तक अपना कोई भी कमेंट उनके हारने पर नहीं दिया है। लेकिन गौर करने की बात है कि खेसारी को बदनाम करने के लिए उनके फैंस ही काफ़ी हैं। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के कई फैंस ऐसे हैं जो कि अखिलेश यादव के कट्टर समर्थक थे। जैसे ही निरहुआ हार गए, अब वो टैग लाइन के साथ सोशल मीडिया पर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अच्छा हुआ अखिलेश यादव जीत गए और निरहुआ को उसकी औकात अपने गढ़ में उन्होंने दिखा दी। वैसे यहाँ आपको ये बता दें कि इसमें खेसारी लाल यादव कहाँ से घसीटे जा रहे हैं। खेसारी लाल यादव के फैंस जो हैं उनके नाम पर इंस्टाग्राम अकाउंट खोले हुए हैं, और अब इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि खेसारी लाल यादव काफ़ी खुश हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ अखिलेश यादव से भारी मतों से हार चुके हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि खेसारी लाल यादव ने अभी तक दिनेश लाल यादव को अपने ऑफिशियल, ना कि फेसबुक से और ना ही इंस्टाग्राम अकाउंट से, किसी से भी ये कोई भी मैसेज उनके हारने पर कुछ भी भेजा है। खेसारी लाल यादव को बदनाम करने में उनके फैंस हमेशा ही लगे रहते हैं, या यूँ कह लें कि खेसारी लाल यादव के फैंस कम, दुश्मन ज़्यादा नज़र आते हैं। वैसे भी हम यहाँ ये कहना जरूर चाहेंगे, खेसारी लाल यादव से जुड़े विवाद कभी ख़त्म होते नहीं हैं, कि और ऊपर से उनके फैंस नए नए विवाद उनके साथ जोड़ते ही जा रहे हैं कि खेसारी लाल यादव काफ़ी खुश है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ अखिलेश यादव से हार गए हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।